क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, जेसु दिसंबर 14 राखेल का अपने बच्चों के लिए रोना मुक्तिदाता का चौथा पहचान है। राखेल का बच्चों के लिए रोना, हम देखिए ये क्या रोना है, कौन रो रहा है। यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 31 में हम गौर करते हैं, राखेल अपने बच्चों के लिए रो रही है और अपने आंसू किसी को पहुंचने नहीं देती है क्योंकि वह अब नहीं है ही। प्रभु यह कहता है इस पर, अपना विलाप बंद करो और अपनी आंखों के आंसू को पोंछो तो, क्योंकि तुम्हें अपने कष्ट के लिए पुरस्कार मिलेगा। यह प्रभु की वाणी है। आज ये राखेल कौन है? आज हमारे संसार में कैसे कैसे, कौन कौन से प्रकार से, कौन कौन सी अवस्था में, माहौल में आंसू बहाए जा रहा है? प्रभु का आगमन का पहचान वहां है। इस आंसू को पहुंचने के लिए प्रभु का आगमन निकट है। प्रभु कहते हैं, मैं दोहराऊंगी, अपना विलाप बंद करो, बस बहुत हो गया, अपनी आंखों से आंसू पोंछ डालो, क्योंकि तुम्हें अपने कष्ट के लिए पुरस्कार जरूर मिलेगा। जब आंसू बहाते वक्त तुम में एक सवाल था ना कि प्रभु, क्या प्रभु है, क्या ईश्वर है? प्रभु कहते हैं, हमें जवाब है। हम देखें, वे रोते हुए चले गए थे ना, मैं उन्हें सांत्वना देकर वापस ले आऊंगा, मैं उन्हें जलधाराओं के पास ले चलूंगा, मैं उन्हें समतल मार्ग से ले चलूंगा जिससे उन्हें ठोकर न लगे, कोई प्रकार से उन्हें ठोकर तक न लगे, कोई प्रकार की धूप उन पर न पड़े, मैं उन्हें संभालूंगा, क्योंकि मैं इसराइल के लिए पिता जैसा हूं और एफ्रेम मेरा पहलोटा है। देखिए तो कितने प्यार से, एक पापा की तरह, एक माँ की तरह अपने संतान को सांत्वना देते हुए प्रभु हमारे पास आ रहे हैं, पधार रहे हैं। हम देखते हैं पद संख्या 20 में, क्या एफ्रेम मेरा प्रिय पुत्र है, क्या वह मेरा लाडला बेटा है? क्योंकि जब कभी मैं उससे फटकारता हूं तो मुझे उसका ध्यान भी रहता है। देखिए तो प्रभु कभी कभी हमारे दैनिक जीवन के छोटे मोटे दुख तकलीफों के द्वारा हमें फटकारते हैं, दुख तकलीफियां देते हुए हमें फटकारते हैं। हमें तो कभी लगता है कि बहुत अति हो रहा है, लेकिन जब कभी वे हमें फटकारते हैं तब उन्हें हमारा ध्यान भी रहता है कि मैं इनके साथ ऐसा कर रहा हूं, इसलिए मेरा हृदय उसके लिए व्याकुल रहता है। मैं उस पर अवश्य दया करूंगा, मैं जाऊंगा उसके पास, मैं पुनः उसके पास जाऊंगा, मैं उनके बीच में निवास करूंगा। प्रभु आ रहे हैं, प्रभु का आगमन निकट है। तो देखिए, पुरस्कार को प्राप्त करने के लिए, हासिल करने के लिए चलिए तो हम तैयार हो जाते हैं। प्रभु का आगमन निकट है।